भारत का वाटरमैन कहते हैं। इस ज्ञान मंदिर में सभी स्वामी संत महात्मा और इस क्षेत्र की जनता। जो एमबी पाटिल ने कुछ दिन पहले यहाँ एक सम्मेलन किया था, मैं बीजापुर आया था। समृद्धि उनके अंदर थी और उनके अंदर जो भी कुछ था उसको वो सहजता से सदैव निश्चल होकर बांटते रहे। उन्होंने अपनी समृद्धि को एक पोटली में बंद करके नहीं रखा, जो भी कुछ था वो सहज रूप से अपने अंदर से निकाल के दूसरों को देने वाले संत थे। ऐसे संत भारत में हमेशा होते रहे, लेकिन उनकी विशेषता ये थी कि वो ज्ञान के संत होते हुए परिसर को, प्रकृति को अत्यंत प्यार करते थे और स्वच्छता में, सफाई में, सफाई बाहर की नहीं अंदर की सफाई में उनको बहुत विश्वास था। वो अंदर की सफाई जितनी ज्यादा कर सकते थे और अपने भक्तों, अपने चाहने वालों को वो अंदर की सफाई के लिए सदैव प्रेरित करते रहते थे। परिग्रह करना उनके जीवन का हिस्सा नहीं था, सब कुछ इकट्ठा करना उन्होंने सीखा नहीं था और वो दूसरों को भी कहते रहते थे कि विरक्ति से जियोगे तो ज्यादा समृद्धि तुम्हारे पास रहेगी। विरक्ति भाव में समृद्धि देखने वाले स्वामी सिद्धेश्वर जी आज सचमुच शरीर से हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस आश्रम में उनके जीवन की तरंगे, उनकी वाइब्रेशन आज भी जिंदा, आज भी हमें प्रेरित करती है। वे कर्म कांड में, पूजा पाठ में उनको बहुत विश्वास नहीं था, उनको विश्वास था इस प्रकृति के साथ अपने आत्मिक रिश्तों को, ये मानवीय और परिसर प्रकृति के साथ ये रिश्ते कैसे गहरे हो सकते हैं, उन रिश्तों को गहरे करने में उन्होंने अपना जीवन लगाया। जब मैं यहाँ आया था, पानी पर बात हुई क्योंकि आपने वो सम्मेलन तो पानी का था, वो फिर कहने लगे कि ठीक है पानी का काम तो करना जरूरी है, ये तो करना ही चाहिए, लेकिन कैसी खेती हो जिसमें पानी कम खर्च हो और हमारे किसानों की फसलें फेल ना हो, उसके लिए क्या करें। तो मैंने कहा कि जब हमारी नदी जिंदा हुई, अरवरी नदी, तो शहर में रहने वाले सारे लोग वापस अपनी जमीन पे आके खेती करने लगे और ये जो शहर है इसमें शिक्षा बहुत पाते हैं लोग और ये जो शिक्षा है ये हमारे मानस को प्रदूषित करती है। शिक्षा हमारे अंदर बहुत तरह के प्रदूषण पैदा करती है। तो ये जो लड़के लोग थे इन्होंने आके गन्ने की फसल बोना शुरू किया। मैंने कहा राजस्थान में तुम गन्ना बोओगे कितने साल होगा, अभी ये नदी में पानी कैसे आया तुम्हें मालूम है? नदी में पानी इसलिए आया कि बादल जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से पानी लेके आए थे, उस पानी को हमने सूरज को चोरी नहीं करने दी, वो पानी हमने सूरज की चोरी से बचा के धरती के पेट में रख दिया और धरती का पेट पानी से भरते हुए नदी में पानी आ गया। तो अभी तुम्हें पानी दिख रहा है लेकिन कल ये पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि गन्ने की फसल में जितना पानी लगता है उतनी राजस्थान में बारिश नहीं होती, इसलिए तुम गन्ना मत बो। लेकिन ये शहर में, मैंने कहा ना, शहर में लोग लालची हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं और उनके जीवन का बस एक ही लक्ष्य होता है लाभ कमाना। वो भूल जाते हैं शुभ की चिंता, जो स्वामी सिद्धेश्वर जी को सबके साझे भविष्य की शुभ की चिंता थी वो चिंता शिक्षा में नहीं है। स्वामी जी को के अंदर जो विद्या थी, ज्ञान से आने वाली विद्या, विद्या उसे कहते हैं जब हमारे अंदर ज्ञान आता है और उस ज्ञान से हम कुछ मनन करके विवेकपूर्ण तरीके से उसको जीवन के लिए उपयोग करते हैं। वो विद्या हमारे स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं होती, वो विद्या
सबकी भलाई के लिए होती है, सबका भला करती है। इसलिए स्वामी सिद्धेश्वर जी शिक्षा के शिक्षक नहीं थे। माफ करना, पता नहीं ये बात आपको मेरी कितनी समझ में आ रही है, पर मैं बहुत जितना मैंने उनको देखा वो शिक्षक नहीं थे, वो विद्या के ज्ञान पुंज थे और उस विद्या के ज्ञान पुंज को दूसरों के भलाई के लिए, शुभ की भलाई के लिए सदैव बांटते रहते थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा जो पाता है वो लाभ कमाता है। शिक्षा पाना और शिक्षा देना दोनों लाभ के लिए होती है, प्रॉफिट के लिए होती है। शिक्षा लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों लाभ कमाने की चिंता में जुटे रहते हैं। विद्या लेने वाला और विद्या देने वाला लाभ की नहीं सोचता, वो शुभ की सोचता है। इसलिए मैं स्वामी सिद्धेश्वर जी को, उनकी आत्मा को नमन करता हूँ कि उन्होंने अपने ज्ञान से इस क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ उनके दिए हुए ज्ञान का जो संस्कार है वो इस क्षेत्र में जिंदा है और यहाँ लोगों में वो संस्कार दिखता है। मित्रों, आज हम उनकी पुण्यतिथि पर दुखी नहीं, आनंदित मन से एक बात समझ लें कि हम सबको जाना आना है। केवल सिद्धेश्वर स्वामी जी हमारे बीच से चले गए, इसका हम कोई दुख मनाए इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि सभी को जाना आना है, हमें भी जाना आना है। पर जब हम चले जाते हैं फिर भी लोग हमें स्मरण रखते हैं और स्मरण करके ऐसी कोशिश करते हैं कि जो उस काल में उन्होंने किया उसको उनके पीछे के लोग भी करते चले, वैसा ही करते चले। वैसे लोग जो धरती पर होते हैं वो सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। इसलिए स्वामी सिद्धेश्वर जी सच्चे सिद्ध पुरुष थे।